डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, आपकी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है रेडियो फार्मास्यूटिकल और टॉपिक है आज का जीएम काउंटर। जीएम काउंटर जो होता है ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ दी रेडियो एक्टिविटी के लिए होता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज की क्या की जाती है, रेडियो एक्टिविटी की मेजर की जाती है। तो जीएम काउंटर डज नॉट रिक्वायर हाई गेन एम्पलीफायर, मतलब जीएम काउंटर के लिए ज़्यादा एम्पलीफायर की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन डिटेक्ट अल्फा बीटा एंड गामा रेज, और ये डिटेक्ट कर सकता है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को। ए जीएम काउंटर कंटेन आयनाइजिंग गैस एंड क्वेंचिंग वेपर विच परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन। जीएम काउंटर में जो होती हैं वो आयनाइजिंग गैसेस और क्वेंचिंग वेपर होती हैं, जिनकी मेन फंक्शंस दो होते हैं। ये क्या करते हैं कि इट प्रिवेंट दी स्पूरियस पल्स प्रोड्यूस बाई द पॉजिटिव आयंस रीचिंग कैथोड। ये क्या करती हैं, जो अनवांटेड जो स्पूरियस पल्स वगैरह अनवांटेड पल्स होती हैं उनको रोकने का काम होता है, जो कि क्या होती हैं कैथोड तक पहुंचने का काम करती हैं। तो इन अनवांटेड पल्स को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, किसके द्वारा, क्वेंचिंग वेपर के द्वारा। इट एब्जॉर्ब दी फोटॉन्स इमिटेड बाई एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिटर्न टू दी ग्राउंड स्टेट। और ये क्या करते हैं, ये फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो इमिटेड होते हैं किसी भी एटम्स के एक्साइटेशन के द्वारा, और जो वापस किस में आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में। क्वेंचिंग एजेंट के रूप में मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन गैस यूज करते हैं इनऑर्गेनिक के रूप में, जबकि ऑर्गेनिक क्वेंचिंग एजेंट जो होते हैं वो होते हैं इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल फॉर्मेट। ये आपके डायग्राम जीएम काउंटर के हैं कि जीएम काउंटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है कि इसमें क्या है, एक बीच में ये जो जीएम काउंटर होता है ये एक स्टेनलेस स्टील का एक सिलेंडर होता है, या ग्लास भी कह सकते हैं कि ग्लास भी हो सकता है, जिसके ऊपर कोटेड विद सिल्वर, सिल्वर के द्वारा क्या रहता है, कोट रहती है। और यह है जो होता है इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील, यह काम करता है कैथोड की तरह। फिर इट इज क्लोज्ड विद थिन मीका विंडो एट वन एंड, और यह पूरी जो स्टेनलेस स्टील का जो सिलेंडर होता है ये पूरा की पूरा क्या होता है, एक मीका विंडो के द्वारा क्या रहता है, बंद रहता है। इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर ए टंगस्टन वायर विच अटैच द एनोड इज केप्ट एट पोटेंशियल ऑफ अबाउट 15,000 वोल्ट। इसके एक मिडल में लाइन में अगर देखा जाए तो एक मिडल में बताया गया है क्या होता है, एक टंगस्टन वायर होता है सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच में, यह काम करता है एनोड की तरह, और इस पर एनोड पर जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल मतलब विभव जो होता है इसका कितना रखा जाता है, 1500 वोल्ट रखा जाता है, जो कि कॉन्स्टेंट रहता है। दी सिलेंडर इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस सच एज आर्गन एंड एल्कोहल। इस सिलेंडर में क्या होती है, एक तो गैस भरी रहती है आर्गन, और साथ में क्वेंचिंग एजेंट जो होता है वो अल्कोहल, ऑर्गेनिक क्वेंचिंग एजेंट भरा हुआ रहता है, अल्कोहल वेपर एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 10 mm of Hg, जिसका प्रेशर कितना होता है, 10 mm of Hg होता है। रेडिएशन पासिंग थ्रू द गैस कॉज एटम्स ऑफ गैस टू आयनाइज। जैसे ही रेडिएशन इसमें पास किए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, गैस के थ्रू तो ये जो गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। आयनाइज का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये तोड़ने का काम करेंगे, जो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इफ़ ए पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, कि द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ गैस प्रोड्यूस बाय दिस आयनाइजेशन प्रोसेस आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। तो जैसे ही रेडिएशन हमने इसमें पास किए गैस के थ्रू,
तो इसमें जो आयनाइज हुए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में जो डिवाइडेड हो जाते हैं, तो पॉजिटिव आयन्स तो क्या होते हैं, मेनली कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। द पासेज ऑफ दीज आयन थ्रू दी गिगा ट्यूब कंस्टिट्यूट ए फ्लो ऑफ करंट। ये जितने भी आयन्स जो होते हैं पास होते हैं, ये सब कि सब क्या होते हैं, एक इसमें ट्यूब होती है गीगा ट्यूब, वो उससे होकर के जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, करंट फ्लो मतलब एक प्रकार से करंट प्रोड्यूस करते हैं। ईच पार्टिकल्स ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस ए ब्रीफ फ्लो और पल्स ऑफ करंट विच कैन बी रिकॉर्डेड वाई ए स्केलर शोइंग टोटल नंबर ऑफ पल्स। ये जितने भी रेडिएशंस के जितने भी पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये करंट के द्वारा क्या हो जाते हैं, जैसे करंट के द्वारा फ्लो हो रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्केलर रखा हुआ स्केलर होता है, जो कि क्या करता है, इन पल्स को मीजर कि कितनी पल्स आई, उन टोटल नंबर ऑफ पल्स को क्या करेगा, शो करेगा। जीएम काउंटर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट रेडिएशन टाइप एंड देयर एनर्जी, कि जीएम काउंटर जो होता है ये केवल क्या करता है, एनर्जी और रेडिएशन के टाइप में डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि रेडिएशन कितनी कितनी टाइप डिफरेंट टाइप की कैसी आ रही है, कोई स्लो आ रही है या पल या फास्ट आ रही है, इनको इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। एज दी पोटेंशियल एक्स्ट्रा हाई टेंशन EST इज इंक्रीज, जैसे ही पोटेंशियल को क्या होता है, बढ़ाया जाता है, तो द काउंटर सडनली स्टार्ट टू रेस्पॉन्ड एट दी स्टार्टिंग वोल्टेज। तो जो काउंटर होगा वो अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट सडनली अचानक शुरू हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग वोल्टेज पर ही। ईच पल्स बीइंग एम्पलीफाइड, प्रत्येक पल्स को क्या कर लिया जाता है, एम्पलीफाइड कर लिया जाएगा और एक रिकॉर्डेड हो जाएगा एक सिंगल काउंट के द्वारा। दी काउंटिंग रेट देन इंक्रीज रैपिडली विद एक्स्ट्रा हाई टेंशन अंटिल दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज रीच्ड। जैसे ही काउंटिंग रेट बढ़ती जाती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन के साथ साथ, तो उसी के साथ साथ क्या होगा, जैसे एक्स्ट्रा हाई टेंशन होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, वोल्टेज के साथ साथ यह अपने जो मेन स्केलर पर पहुँचने प्रारंभ हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। एवव विच दी काउंटिंग रेट बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रो आउट ए प्लेटू विच इज अबाउट 152-200 वोल्ट लॉन्ग। तो ये काउंटिंग रेट क्या हो जाएंगे, जैसे ही एक प्लेटू के द्वारा इनको शो करते हैं, जो आपका ग्राफ नीचे की तरफ बताया गया है कि कैसे कैसे पहले पार्टिकल्स, पहले जैसे कि स्टार्टिंग पोटेंशियल हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो जैसे ही हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो थ्रेशोल्ड एक प्रकार से क्या होती है, वहाँ पर वो चेंजेज हो जाती है, प्लेटू करवा जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो यह कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन में पहुंच जाती है। तो वही है इसमें कि फर्दर इंक्रीज इन एक्स्ट्रा हाई टेंशन वुड रिजल्ट इन द काउंटर गोइंग इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज। वर्किंग वोल्टेज इज यूजली 60-100 वोल्ट एट अबाउट द मिडल ऑफ प्लेटू वेयर स्मॉल फ्लक्चुएशन इन एक्स्ट्रा हाई टेंशन। जैसे ही हमने स्टार्ट पोटेंशियल पर आया तो पहला कर्व सीधा आया, जैसे ही हमने इसका वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ाने पर ये क्या हुआ, प्लेटू का मिडल लाइन में चला गया, फ्लक्चुएशन आ गए एक प्रकार से। तो ये फ्लक्चुएशन जो आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, एक इनस्टेबिलिटी हैव लिटिल इफेक्ट ऑन काउंटिंग रेट की वजह से इनकी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपके नीचे एक डायग्राम में बताया गया है इसकी वर्किंग के बारे में, कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर इसकी मिडल लाइन में क्या जा रही है एक प्रकार से, एक टंगस्टन वायर लगा रखा है, साथ में इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है आपके कि इसमें जो इनर्ट गैस होती है वो आर्गन होती है, और क्वेंचिंग एजेंट के रूप में एल्कोहल वेपर यूज करते हैं, और बाहर स्टेनलेस स्टील का वो है तो जो के क्या करता है, कैथोड की तरह काम करता है, और इसी से हमने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी जो जिसमें पोटेंशियल रखा गया है 1500 वोल्ट केज का, और साथ ही में इसमें क्या होती है, एक कुछ ट्यूब्स होती हैं गीगा ट्यूब्स जिन्हें हम नियॉन ट्यूब्स भी कहते हैं, और इसमें एक स्केलर लगा हुआ होता है जो कि मैकेनिकल रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही क्या होता है, बैटरी ऑन या चार्ज, जैसे पोटेंशियल बैटरी ऑन की जाएगी तो रेडिएशन जैसे ही दिए जा रहे हैं बैटरी ऑन होते ही, तो ये गैसों को आर्गन्स को क्या करेगी, एक प्रकार से आयनाइज कर देगी।
आयनाइज करते ही अपने आयनोन्स में क्या हो गए, विभक्त हो गए। जैसे आयन्स में विभक्त हुए तो ये क्या होंगे, नियोन ट्यूब्स के द्वारा जो भी रेडिएशंस आए ये सीधे सीधे किस पर आ जाएंगे, स्केलर काउंट पर रिकॉर्डर होना चालू कर देंगे। तो ये थी आपकी गिगर मोलर काउंटर, और ये आपके मेन ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी से, तो इसको याद कर लें इसको।